पटवारी वाला जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर उनका ये कहना है कि आप उनसे सार्वजनिक माफी मांगे, इस पर आपका क्या कहना है? विषय माफी का और विषय मेरे माफी मांगने से अगर करप्शन कम हो जाता है तो मैं एक बार नहीं 100 बार मांगना चाहता हूँ दूसरी बार। और मेरा भाव पर्टिकुलर, मैं मंत्री हूँ, डीएम को निर्देश करना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। मैं 370 शिकायतें आई टोटल, उसमें 86 शिकायतें जमीनों से संबंधित या भूमि से संबंधित आई। इसका मतलब था कि इंदौर ब्लॉक के हमारे जो परिवारजन हैं उनके जो राजस्व विभाग के कहीं कहीं चूक है, कमी है, तो ये एक वहाँ का विधायक या जनप्रतिनिधि बताएगा तो कौन बताएगा? अब इससे मैं किसी की भावना को ठेस पहुँची तो मैं तो किसी की भावना को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर मेरा उद्देश्य ये जरूर था कि करप्शन कम हो और जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी मदद करूँ, और ये मेरा दायित्व है, करूँगा, इसमें मैं रुकूंगा भी नहीं। पर फिर भी परिवार के वो लोग जिनको मेरे भाव से कोई दुख पहुंचा हो, मैं उनसे माफ़ी मांगने में छोटा नहीं हूँगा, मैं बड़ा हूँ, पर मेरा दायित्व है कि मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, पर क्या करप्शन मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग का कम होगा, ये दायित्व सबका है नहीं है, ये हर व्यक्ति का जो उस राजस्व विभाग में कर्मचारी उसका है या नहीं है। मध्य प्रदेश में करप्शन रहित हो ये दायित्व सरकार का है या नहीं है? पर जितु भी वो जनता, काम बंद करके बैठे, अब वो काम बंद करके बैठे, इसके लिए क्या करेंगे आप? मेरा अनुरोध है, ऐसी कोई व्यवस्था बनी नहीं है और न बनेगी। हमारा भाव अच्छे से सब समझते हैं कि मैंने क्या कहा, अगर किसी बात को इस तरीके से तुल देना स्वाभाविक प्रक्रिया के अंग में नहीं आता है। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि करप्शन के खिलाफ बात करे, मैंने की, और आगे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के विरोध में बात करना, किसी को पूरे कौम को इस तरह के खिलाफ मेरी बात नहीं थी, मैंने ट्वीट करके कहा है। मैंने पर्टिकुलर इंदौर ब्लॉक के पटवारियों के संबंध में जो शिकायत आती है उनको लेके कहा है, और वो शिकायतें सिद्ध हुई जो शिकायतें मिली। अभी मैं ऐसा होगा तो मीडिया में सारी जितनी शिकायतें आई उसका दे दूंगा और फिर उनसे पूछ लूंगा कि ये क्या हुआ। मेरे मन से अगर मैं कहता तो दायित्व मानी आती, और मध्य प्रदेश के पटवारियों से, राजस्व विभाग के अधिकारियों से इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर मेरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से है। मेरा वक्तव्य उस संदर्भ में था, किसी को इसकी ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करूं।